अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना चाह रहा हूँ फ़िश फ्राई, फ़िश स्पाइसी एंड क्रिस्पी फ्राई। इसके लिए मैं ली हूँ कटला फ़िश। कटला फ़िश, इसका नाम है कटला फ़िश, और इसके मैं करा ली हूँ 10 पीसेस। इसके 10 पीसेस है और इसको वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना चाह रही हूँ फ़िश फ्राई। इसके लिए मैं ली हूँ कटला फ़िश। ये कटला फ़िश है और इसके 10 पीसेस करा ली मैं और वॉश करके रख ली। और इसके लिए मसालों में ये चीज़ों की ज़रूरत है: नमक, मिर्ची, अदरक लहसुन, हल्दी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और गरम मसाला, जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर। जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर रोस्ट करे हुआ है, रोस्ट करके पाउडर बना के रख ली मैं। और गरम मसाले में चार चीज़ें हैं इसमें: शाहजीरा दालचीनी, इलायची और लौंग। चारों को इक्वल क्वांटिटी में पीस के रख ली मैं। और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून फुल, गरम मसाला है 1 टीस्पून फुल, और धनिया का पाउडर है 2 टीस्पून फुल, और हरे मसाले में है थोड़ी सी कोथमीर और पुदीना और 4 हरी मिर्चियाँ, 1 लेमन। और ये हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीने का पेस्ट बना लेना है। अभी फ़िश को सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट के लिए 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी का धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। और एक लेमन का जूस जो बताई थी मैं, उसका लेमन जो बताई थी उसका जूस निकाल के रख ली मैं। और कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची जो बताई थी उसका पेस्ट। ये सब चीज़ों को फिश में लगा के अच्छे से हाथ से लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे ये सब मसालों को। आहिस्ता से लगाना है, इसमें कांटे भी रहते, बहुत चुपते, केयरफुली लगाना है। हाथ से लगाना मगर स्लो लगाना, एहतियात से। इसको अच्छे से हाथ से आहिस्ता आहिस्ता से पूरा मसाला, पूरे पीसेस को लगे अच्छा लगना, इस तरह से लगा लेंगे। और 2 पिंचेस कलरदार में, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कलर डालें, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। ये हाथ से तो मैं अच्छे से लगा दी, और एक और दो मिनट के तक आप सब टॉस भी कर सकते हैं थोड़ी देर। हाथ से अप्लाई कर रही मैं, अच्छा हाथ से अप्लाई करे बाद भी थोड़ा सा अभी कॉर्नफ्लोर नहीं लगी मैं, कॉर्नफ्लोर फ्राई करते वक्त लगाएंगे। मसाला अच्छे से लगा दिए मैं, और इसको ढाँप के मैक्सिमम 2 घंटे या मिनिमम 1 घंटा। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप 1 घंटा रख सकते हैं, अगर टाइम है तो 2 घंटे तक मैरिनेशन के लिए इसको छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। 2 घंटे मुकम्मल हो चुका है मैरिनेशन के लिए। 2 घंटे मैरिनेशन के लिए जो 2 घंटे के लिए छोड़े थे, 2 घंटे हो गया। अब इसको 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, हाथ पे डाल के इसका आहिस्ता से सा बुरबुरा के मिक्स कर देंगे। ज़्यादा नहीं लगाना कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून फुल बस आता, इसलिए मैं लगा रही हूँ कि इसका मसाला कोटेड रहना, इसमें जलना नहीं। इसको कॉर्नफ्लोर मसाले को अच्छा स्टिक कर देता, इसको फिश पे जलता नहीं, फिश जलती नहीं।
कोटेड हो जाता है। थोड़ा सा और ऐड करें मैं, इसको है अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा ये मिलाई में, एक 1 टेबल स्पून फुल होगा ये, मैं दाली से फुल नहीं था, चमचे से जो दाली थी वो फुल नहीं था, और थोड़ा सा ऐड करी। अब ये मसाला मिर्ची हुई है, जलती नहीं, मैं तो तेल में पूरा मसाला नीचे जल के नीचे आ रहा था। कॉर्नफ्लोर अच्छे से लगा दी मैं, अब कढ़ाई रख के फ्राई करने की तैयारी। कढ़ाई रख दी मैं, ऑयल अच्छा गर्म हो गया, ऑयल गर्म होने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फ्लेम ऑयल ठंडा भी न रहना और ज़्यादा गर्म नहीं होना, इसलिए मैं अच्छा थोड़ा गर्म होते ही, अच्छा गर्म हो गया होते ही मीडियम कर दी, और गैस के साथ डालेंगे। इसको टच नहीं करना, नीचे का हिस्सा अच्छा पकने के बाद इसको टच करना, नहीं तो मसाला सब निकल जाता, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। नीचे का हिस्सा अच्छा फ्राई होने के बाद ही पलटाना। देखिए बहुत अच्छा क्रिस्पी और स्पाइसी और क्रिस्पी बनती फिश। मैं 2 घंटे के लिए रखी है, और फिश फ्रेश रहना, फ्रेश फिश मज़ेदार होती। और नीचे का हिस्सा होने के बाद मैं पलटा रही हूँ, साइड चेंज कर रही हूँ। थोड़ा गैप रख के डाल के जाएंगे पीसेस, एक दूसरे को नहीं लगना। गैप रखते हुए डालेंगे पीसेस को, और तेल अच्छा गर्म होने के बाद मीडियम कर लेना फ्लेम को, ना ज़्यादा तेज़ रखना ना ज़्यादा धीमा रखना, धीमे में भी कच्ची रह जाती, क्रिस्पी नहीं बनती। और एक साइड होने के बाद इसको पलटाएंगे नीचे पकने के बाद। ये मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो लगाई उससे कोट हो गया है मसाला। और मसाला जलाने जरा दे, फिश भी क्रिस्पी बनी, अच्छी क्रिस्पी बनी। चलिए और एक साइड, फिर ये साइड पलटा ले रही हूँ, थोड़ी फिश अच्छी क्रिस्पी होना है तो अच्छा फ्राई करना, टू साइड भी। एक चार 5 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट में फ्राई होती है। चलिए तैयार हो गई फिश तैयार हो गई, उसको डिश में निकालेंगे और फ्लेम को तेज़ कर देना। अब ये ऑयल थोड़ा सा ठंडा होने लगा, फिर जो नया बैच डालते जब डालने के बाद मीडियम करना। इसी तरह से पूरे कर लेंगे, इसी तरह से पूरे फ्राई कर लेंगे। चलिए इसको भी डिश आउट करेंगे। जी मेरे रेसिपी फिश फ्राई की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, और एक बार ज़रूर आप ट्राई करिए। देखिए
अच्छी क्रिस्पी फ्राई हुई, अच्छी कुरकुरी और क्रिस्पी फ्राई हुई, और इसको सलाद, प्याज, नींबू और टमाटर, खीरा, खीरे के साथ इसको सर्व करिए। एक बार ज़रूर ट्राई करके कमेंट्स में लिखिए। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।